हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करना है सोलर थर्मल एप्लीकेशंस इन डिफरेंट गैजेट्स। ठीक है, तो सोलर थर्मल जो हमारा है वो किन किन गैजेट्स में यूज होता है, ठीक है, तो इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक, ये लेक्चर इतना बड़ा है कि इसको 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सोलर थर्मल एनर्जी, मींस सोलर थर्मल एनर्जी होता क्या है। तो सोलर थर्मल सिस्टम, सोलर थर्मल सिस्टम्स कलेक्ट्स लो, मीडियम एंड हाई हीट डायरेक्टली फ्रॉम द सन, देन डिलीवर्स इट एट द डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। कहने का मतलब ये है कि सोलर थर्मल सिस्टम लो, मीडियम और हाई हीट को क्या करता है, हीट डायरेक्टली फ्रॉम द सन कलेक्ट करता है, ठीक है, लो मीडियम एंड हाई हीट को डायरेक्टली सन से कलेक्ट करता है, सूर्य से कलेक्ट करता है, ठीक है, देन डिलीवर्स इट एट द डिजायर्ड टेम्परेचर, तब उसको एक ऐच्छिक तापमान पे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए देता है, ठीक है, मीन्स घरेलू और इंडस्ट्री के यूज के लिए, प्रयोग के लिए देता है, ठीक है। मीन्स सोलर सिस्टम द्वारा मीडियम हाई, मीडियम लो, लो मीडियम हाई हीट को कलेक्ट करके डायरेक्ट सूर्य से, मतलब सन से, उसे एक ऐच्छिक टेम्परेचर पे घरेलू और इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है, ठीक है। टुडे सोलर थर्मल एप्लीकेशंस आर इन यूज फॉर डोमेस्टिक वाटर एंड स्पेस हीटिंग। जो सोलर थर्मल सिस्टम है हमारा, वो इस समय वाटर और स्पेस हीटिंग में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट में, ठीक है। जैसे कुछ घरेलू हीट की ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रोसेस करने में हीट की ज़रूरत पड़ती है, या तो इंडस्ट्रियल कोई ऐसा प्रोसेस होता है वो हीट की आवश्यकता वहाँ पड़ती है, तो वो सोलर थर्मल सिस्टम से हम कलेक्ट करके हीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोलर थर्मल एप्लीकेशंस इन गैजेट्स, तो कौन कौन से वो गैजेट्स हैं जिसमें सोलर थर्मल सिस्टम प्रयोग होता है, ठीक है, उसका यूज होता है। सोलर एनर्जी आर यूज्ड इन मेनी गैजेट्स एज फॉलोइंग। तो सोलर एनर्जी बहुत सारे गैजेट्स में यूज होता है, जैसे कि पहला है हमारा सोलर कुकर। कुकर तो सब लोग जानते होंगे, बेसिक कुकर किस लिए यूज होता है, खाना पकाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर कुकर के बारे में, ठीक है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर, ठीक है। सोलर एनर्जी किस लिए प्रयोग होता है, कुकिंग और हीटिंग के लिए, फूड को कुक करने के लिए और हीट करने के लिए, किसकी सहायता से, सोलर कुकर से, ठीक है। अ सोलर कुकर इज अ कंटेनर और अ डिवाइस दैट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड हेल्प इन हीटिंग एंड कुकिंग फूड। सोलर कुकर एक जनरल में क्या है, कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर टाइप का एक कुकर होता है, आर अ डिवाइस, या एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को यूज करके भोजन पकाता है, ठीक है। इट मेनली वर्क्स ऑन थ्री प्रिंसिपल। जो हमारा सोलर कुकर है वो मेनली तीन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पहले कंसंट्रेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन क्या है, रिटेंशन। सबसे पहले सोलर एनर्जी क्या होगा, सन से जब सोलर एनर्जी आ रही है तो वो कंसंट्रेट होगा, ठीक है, सोलर पैनल सिस्टम पे, ठीक है, सोलर पैनल जो कलेक्टर होते हैं उस पे, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, सोलर कलेक्टर में, ठीक है, और तब वो क्या करेगा, कंसंट्रेशन मीन सॉरी रिटेंशन मीन्स वो सोलर कुकर को हीट प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, कुक करने के लिए, ठीक है। तो मीन्स ये तीन काम होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन। अ सोलर कुकर हैज अ मिरर दैट हेल्प्स इन हीटिंग द सन्स अल्ट्रावायलेट्स
रेज इन एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफ्रारेड इंफ्रारेड लाइट रेज। ठीक है, तो सोलर कुकर है या मिरर, सोलर कुकर में एक शीशा लगा रहता है, मिरर मीन शीशा, दैट हेल्प इन लेटिंग द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, जिसपे सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो उस पर आके गिरती है। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इंटू इंफ्रारेड लाइट रेज, और तब वह इंफ्रारेड लाइट रेज में कन्वर्ट होता है। देयर आर फॉलोइंग थ्री मोस्ट कॉमन डिजाइन ऑफ सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर के तीन मोस्ट कॉमन डिजाइन हैं, वो उसमें से पहला क्या है, पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर, फोकस सनलाइट स्ट्रेट ऑन द ब्लैक पॉट। ठीक है, पॉट मीन्स बर्तन, क्या होता है इसमें, फोकस सनलाइट स्ट्रेट ऑन द ब्लैक पॉट, एक काले कलर का बर्तन होता है जिसपे सनलाइट स्ट्रेट मतलब सीधा गिरता है। ठीक है, मोस्ट इफिशियंट अप टू कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये ज़्यादा इफिशियंट है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, सेम कुकिंग टाइम्स एंड प्रैक्टिसेस एज कन्वेंशनल कुकिंग मेथड। ठीक है, इस टाइप के सोलर कुकर में मीन्स पैराबोलिक टाइप के सोलर कुकर में खाना पकाने में जितना हम जो हमारा घरेलू सिस्टम से जैसे गैस से स्टोव से या ईंधन से लकड़ी वगैरह से खाना बनाते हैं उतना ही टाइम पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर से भी खाना पकाने में लगता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप मीन्स यह बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसका डिजाइन जो है और स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कठिन होता है, बल्कि रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आउटडोर स्पेस। ठीक है, यह बहुत बड़ा होता है जिससे कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इसको ऑपरेट करने के लिए, मीन्स यूज करने के लिए। ये एक इमेज है पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, इस पर सन रेज जो है आके गिरता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हम लोग तीन प्रिंसिपल पढ़े थे, पहला क्या था, पहले आके सन लाइट जो है इस पे मिरर पे आके गिरेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा, इसके अंदर कंसंट्रेट होगा, फिर ये रिटेंशन करेगा मीन्स कुकर को प्रोवाइड कराएगा जिससे खाना पकेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमने जो ये डायग्राम लिया है, ये इमेज जो लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है, ये नहीं बना देंगे। ठीक है, ये बन नहीं पाएगा, तो आप लोग इजीली ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप जो है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर हम जान लिया, बॉक्स टाइप सोलर कुकर क्या होता है, इंसुलेटेड बॉक्स मेटिंग यूज ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सनलाइट। एक इंसुलेटेड बॉक्स रहता है जो सनलाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्व करता है। ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी, या बहुत जगह यह टेक्नोलॉजी जो है बहुत जगह फैला हुआ है, मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन, इसको बनाना बहुत ही आसान है। कैन बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, यह बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है, जैसे कार्डबोर्ड, ठीक है, वुड, लकड़ी का, प्लास्टिक और मेटल का। ठीक है, लेस देन हाफ द प्राइस ऑफ पैराबोलिक कुकर, पैराबोलिक के कंपेयर में जो हमारा बॉक्स टाइप सोलर कुकर है वो आधे दाम में मिलता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारा पैराबोलिक सोलर कुकर है अगर वो 100 रुपये का मिल रहा है तो ये 50 रुपये का मिलेगा। ठीक है, लोअर रेटिंग अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इमेज है बॉक्स टाइप सोलर कुकर का। ठीक है, देखिए ये एक कार्डबोर्ड का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पॉट मीन्स कुकर रखने के लिए सोलर कुकर यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ये नहीं हमें ड्रा करना है। ठीक है, ये डायग्राम हमको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को अब जो थर्ड वन है पैनल टाइप सोलर कुकर। ठीक है,
रिफ्लेक्टिव पैनल्स फोकसिंग लाइट ऑन ब्लैक पॉट कंटेंट विद इन प्लास्टिक बैग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव पैनल्स जो हमारे सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने वाले पैनल्स होते हैं वो सनलाइट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑन ब्लैक पॉट, और ब्लैक पॉट जो हमारा कुकर है उस पर भेजते हैं, और ये किस में लगा रहता है, प्लास्टिक बैग में ये सब चीज़ें फिट रहती हैं, ठीक है। चीपेस्ट डिजाइन, इसकी डिजाइनिंग बहुत ही सस्ती है, ठीक है। यूजली मेड ऑफ कार्डबोर्ड, ये किस चीज़ का बन सकता है, कार्डबोर्ड का एंड एल्युमिनियम फॉइल का, ठीक है, मीन्स बहुत ही हल्का होता है। सिंपलेस्ट डिजाइन, डिजाइन भी इसका सिंपल है, सबसे सिंपल है, ठीक है। ईजी टू फोल्ड एंड ट्रांसपोर्ट, इसको ईजिली हम मोड़ कर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। लोवेस्ट इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, ठीक है। देखिए ये इमेज है, ठीक है, ये फॉइल का बना हुआ है, एल्युमिनियम फॉइल का बना हुआ है, और ये डायग्राम अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज का, एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, मीन्स सोलर कुकर के क्या एडवांटेज हैं। द कास्ट ऑफ कुकिंग फूड इज जीरो, भोजन बनाने का कोई भी कास्ट नहीं लगता है, ठीक है। क्यों, एज सोलर एनर्जी कम्स फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि सोलर एनर्जी हमको किसी भी कास्ट में नहीं मिलता, मीन्स फ्री मिलता है। इट्स सेव अदर कॉस्टली फ्यूल्स एंड डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या सभी जो हमारे कॉस्टली ईंधन है उसको क्या करता है, बचाता है, और इससे खाना बनाने में कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है, मीन्स कोई भी वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। तीसरा क्या, इट प्रिजर्व ऑल न्यूट्रिएंट, सोलर कुकर में खाना बनाने से क्या होता है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपस्थित रहते हैं, वो लॉस नहीं होते हैं इन अ फूड, एज अ फूड गेट्स कुकेड इन इट एट कम्प्लीटली टेम्परेचर, ठीक है। नो अटेंशन इज नीडेड ड्यूरिंग कुकिंग एज इन अदर डिवाइस, ठीक है। अगर हम सोलर कुकर का प्रयोग करके खाना बना रहे हैं तो क्या होगा, उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम गैस से बना रहे हैं तो कम और ज़्यादा गैस जो है कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। लकड़ी से बना रहे हैं तो कभी आग जलती है कभी नहीं जलती है, तो इसमें सोलर कुकर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नो वरी अबाउट बर्न, आग लगने का भी कोई चांसेस नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, मीन्स सोलर कुकर के कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, तो सबसे पहले कुकिंग हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग द सन आवर्स ओनली, ठीक है। जो हमारा खाना बनाने की क्रिया है वो केवल सूर्य की धूप में ही होती है। मीनू प्रॉब्लम्स, ठीक है, मीनू प्रॉब्लम में सोलर कुकर में हम जैसे बाटी चोखा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और कुछ जैसे चिकन्स वगैरह हो गए, या तो और मीन्स इसमें मीनू का प्रॉब्लम होता है। हम ऐच्छिक चीज़ें जो हमें खाने की इच्छा वो चीज़ें सभी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें का बनना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा है वन कांट कुक एट शॉर्ट नोटिस, कोई भी मतलब कि सोलर कुकर से अगर हमें शॉर्ट नोटिस पे मतलब कि जल्दी नहीं बताया गया कि हमको खाना चाहिए, तो क्या हुआ कि अभी हम 2 मिनट पहले कॉल किए कि हमको खाना चाहिए 10 लोगों का, तो सोलर कुकर से बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। नो कुकिंग एट क्लाउडी डे एंड नाइट, अगर आसमान में बादल हैं मीन्स सनलाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो रात है तो खाना नहीं बन सकता है। रिक्वायर मैनुअल ट्रैकिंग, ठीक है, टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक फूड देन द कन्वेंशनल कुकिंग मेथड, जो हमारा सोलर कुकर है उसमें खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि हम पुराने तरीके से बनाते उसके कंपेयर में।
ठीक है। अब दूसरा जो हमारा गैजेट्स है जिसमें सोलर एनर्जी का यूज होता है वो क्या है, सोलर वाटर हीटर्स। जो सोलर वाटर हीटर है वो सोलर एनर्जी से चलने वाला एक गैजेट्स है, ठीक है। तो सोलर वाटर हीटर क्या होता है, अ सोलर वाटर हीटिंग यूनिट्स कंप्राइज अ ब्लैकनेट फ्लैट प्लेट मेटल कलेक्टर विथ एन एसोसिएटेड मेटल ट्यूबिंग फेसिंग द जनरल डायरेक्शन ऑफ द सन। जो हमारा सोलर वाटर हीटर सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक कलेक्टर होता है, ठीक है, जो कि सूर्य की तरफ फेस किया रहेगा, ठीक है, जिधर से सन राइज होता है उस साइड फेस किया रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, उसमें ट्यूब्स लगे रहते हैं किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए, पानी के लिए, ठीक है, पाइप्स लगे रहते हैं पानी का सप्लाई करने के लिए। द प्लेट्स कलेक्टर हैज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर एबव एंड अ लेयर ऑफ थर्मल इंसुलेशन बीनिथ इट, ठीक है। जो हमारा प्लेट कलेक्टर होता है, जो हमारा सोलर कलेक्टर होता है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी ग्लास का कवर लगा होता है शीशे का, ठीक है, और उसे थर्मल इंसुलेशन करते हैं, ठीक है, ग्लास को, ठीक है, इंसुलेटेड रहता है। द मेटल ट्यूबिंग ऑफ द कलेक्टर इज कनेक्टेड बाई अ पाइप। जो हमारे मेटल ट्यूबिंग होता है कलेक्टर्स ऑफ द कलेक्टर्स इज कनेक्टेड बाई द पाइप, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होता है, पाइप से टू एन इंसुलेटेड टैंक, और एक टैंक से मीन्स करने का मतलब ये है, जो हमारा कलेक्टर पैनल में जो हमारा ट्यूबिंग होता है वो एक इंसुलेटेड टैंक से कनेक्ट होता है, डेट स्टोर हॉट वाटर, जिसमें हॉट वाटर मतलब गर्म पानी एकत्रित होता है ड्यूरिंग क्लाउडी डे। द कलेक्टर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड ट्रांसफर द हीट टू द वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द ट्यूबिंग आइदर बाई ग्रेविटी और बाई पंप, ठीक है। द कलेक्टर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, जो हमारा सोलर कलेक्टर है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसफर द हीट टू द वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब, और जो हीट एब्जॉर्ब होता है कलेक्टर्स में वो ट्रांसफर किया जाता है जो कलेक्टर्स के बीच में ट्यूब्स लगे रहते हैं जिसमें पानी सर्कुलेट होता है, ठीक है। ट्रांसफर द हीट टू द वाटर, जो ट्यूब में वाटर है उसको हीट किया जाता है, ठीक है, सर्कुलेटिंग थ्रू द, जो पानी ट्यूब में सर्कुलेट हो रहा है वो या तो ग्रेविटी के कारण होगा या तो एक पंप के द्वारा होगा, ठीक है। मीन्स सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है कि सोलर कलेक्टर हमारा जो है कि रेडिएशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, फिर जो कलेक्टर के बीच में जो ट्यूब लगे रहते हैं उसमें क्या होता है, पानी सर्कुलेट होता है, वो किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा या तो पंप के द्वारा, ठीक है। तो उस ट्यूब में जब पानी सर्कुलेट होता है तो जो हीट हमारा कलेक्टर में कलेक्ट हुआ है रेडिएशन वो उस ट्यूब को हीट करता है जिससे हमारा पानी हीट हो जाता है, ठीक है। दिस हॉट वाटर इज सप्लाइड टू द स्टोरेज टैंक बाय द एसोसिएटेड मेटल ट्यूबिंग, ठीक है, और ये जब पानी गर्म हो जाता है तो स्टोरेज टैंक को सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, मीन्स स्टोरेज टैंक में पानी को स्टोर कर लिया जाता है पाइप के द्वारा, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ वाटर हीटिंग इज कॉमनली यूज्ड इन होटल्स। जो ये वाटर हीटिंग सिस्टम है ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, मैक्सिमम कहाँ कहाँ यूज होते हैं, होटल्स में, गेस्ट हाउस में, टूरिस्ट बंगलो में, ठीक है, हॉस्पिटल, कैंटीन, एज वेल एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, मीन्स बहुत सारे जगह हमारे वाटर हीटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ, इसमें कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं, ठीक है। अ थर्मल पैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर कलेक्टर इंस्टॉलेड ऑन द रूफ, मतलब छत पे एक सोलर कलेक्टर होता है, ठीक है। अ टैंक टू स्टोर हॉट वाटर, और एक टैंक होता है हॉट वाटर को स्टोर करने के लिए। एसोसरी सच एज सर्कुलेटिंग पंप, ठीक है, जैसे कि और सारी चीज़ें लगी रहती हैं, जैसे कि सर्कुलेटिंग पंप, ट्यूब्स के बीच में जो कलेक्टर्स के बीच में ट्यूब्स होते हैं
उसमें पानी को सर्कुलेट करने के लिए मीन्स दौड़ाने के लिए, पानी का बहाव करने के लिए एक सर्कुलेटिंग पंप होता है। टू कैरी द सोलर एनर्जी फ्रॉम द कलेक्टर टू द टैंक, ठीक है, जो कि सोलर एनर्जी को ले जा सके फ्रॉम द कलेक्टर से और टैंक को, ठीक है, मीन्स कलेक्टर से टैंक को पानी को ले जा सके। एंड अ थर्मल रेगुलेटर, और एक थर्मल रेगुलेटर भी लगा होता है। थर्मल रेगुलेटर मीन्स हॉट वाटर, अगर मान लीजिए दो टंकी हमने रखा है, ठीक है, एक में फ्रेश वाटर है और एक में हॉट वाटर है, ठीक है, अगर हमारा सर्कुलेटिंग फुल हो गया है तो जो हमारा रेगुलेटर है वो रेगुलेट करेगा, ठीक है, मीन्स कंट्रोल करेगा। स्मॉल कैपेसिटी डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटर्स आर आल्सो अवेलेबल इन सिंपल डिजाइन इन विच द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर एंड स्टोरेज टैंक आर कंबाइंड इन वन यूनिट, ठीक है। स्मॉल कैपेसिटी के जो मतलब छोटे साइज के हमारे सोलर वाटर हीटर होते हैं वो सिंपल डिजाइन में भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर्स एंड स्टोरेज टैंक आर कंबाइंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, कलेक्टर्स और स्टोरेज टैंक जो अलग अलग था अभी तक हम पढ़ रहे थे वो एक में ही कंबाइंड रहेगा, ठीक है। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोसिफोन सिस्टम, ठीक है। दूसरा फोर्स सर्कुलेटिंग सिस्टम। अभी हम आप लोगों के यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं एक चीज, जो नेचुरल सर्कुलेशन मीन्स कि पानी को ट्यूब्स के बीच में सर्कुलेट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मीन्स या तो कोई भी एक्सटर्नल पंप नहीं लगा रहेगा, वो नेचुरली सर्कुलेट होगा ट्यूब्स में, ठीक है। लेकिन जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या होगा, उसमें एक पंप लगा रहेगा, ठीक है। आगे अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन वाटर हीटिंग सिस्टम, ये वाटर हीटर्स का एक टाइप्स है, ठीक है, जिसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो सिस्टम में लगे रहते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या करता है, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। स्टोरेज टैंक और सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें पानी सर्कुलेट होगा। एक्जिलरी हीटिंग सिस्टम, और लास्ट वन क्या है, कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये पांच चीज़ें जो है हमारे नेचुरल सर्कुलेशन वाटर हीटिंग सिस्टम में यूज होती हैं, ठीक है। नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्टर, नेचुरल सर्कुलेटिंग सिस्टम में सबसे पहले एक कलेक्टर होता है विथ ट्रांसपेरेंट कवर प्लेट्स, जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है, ठीक है। कलेक्टर्स के ऊपर जो हमारा सोलर पैनल कलेक्टर्स है उसके ऊपर एक ग्लास लगा रहेगा, ठीक है, जो कि पारदर्शी रहेगा, ठीक है। अ सेपरेट हाईली इंसुलेटेड वाटर स्टोरेज टैंक, और एक बहुत ही हाईली स्टोरेज वाटर स्टोरेज टैंक रहेगा, हाईली इंसुलेटेड वाटर स्टोरेज टैंक रहेगा, जिसमें कि वाटर या तो हीट जो है कि लीकेज ना हो। एंड वेल इंसुलेटेड पाइप, और वेल इंसुलेटेड पाइप कनेक्टिंग द कलेक्टर्स एंड स्टोरेज टैंक, जो कि कलेक्टर्स और स्टोरेज टैंक को कनेक्ट करता है, ठीक, मतलब जोड़ता है। द बॉटम ऑफ द स्टोरेज टैंक इज एट लीस्ट अ फुट हायर देन द टॉप ऑफ द कलेक्टर, ठीक है। द बॉटम ऑफ द स्टोरेज टैंक, जो हमारा स्टोरेज टैंक है, ठीक है, इज एट लीस्ट अ फुट हायर देन द टॉप ऑफ द कलेक्टर, ठीक है। जो हमारा सबसे ऊपर जो कलेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, उससे कम से कम एक फुट के डिफरेंस पे रहेगा, ठीक है। एंड नो एक्जिलरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू इट, और जिसके कारण से कोई भी एक्स्ट्रा हमें वाटर सर्कुलेटिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्कुलेशन अकर्स थ्रू नेचुरल कन्वेक्शन बाय द ग्रेविटी, मीन्स अभी हम लोग पढ़े थे शायद
आप लोग नहीं पढ़े थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हॉट वाटर जो है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है और जो हमारा कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सपोज डैट हमारा ये पूरा एक स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम वाटर स्टोर कर लिए। ठीक है, सपोज डैट यहाँ पे जो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक है ना, इतना दो पार्ट में। अब ये पूरा वाटर हीट हो रहा है, ठीक है, तो जो ऊपर की पानी है पूरा, हम मान लो एक वाटर हीटर राड इसमें डाल दिए और जो यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ तक बस, तो जो ये पूरा वाटर है, ये पूरा वाटर एक साथ हीट नहीं होगा। सबसे पहले ऊपर का हीट होगा, यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का। अब उसमें भी कंपेयर करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है पानी का, वो वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा हीट रहेगा। मीन्स कि जब हमारा वाटर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। When water in the collector is heated by the sun, जब collectors में water heat होता है सूर्य के द्वारा, it expand, become less dense, तब यह expand होता है क्योंकि density इसकी कम हो जाती है and rise up, और ऊपर उठने लगता है। ठीक है, the collectors, collectors में क्या होता है, जब सूर्य के द्वारा collectors में पानी गर्म होता है तो डेंसिटी उसकी कम होने की कारण वो पानी ऊपर उठने लगता है। ठीक है, थ्रो अ पाइप एंड इनटू द टॉप ऑफ द स्टोरेज टैंक, थ्रो अ पाइप एंड इनटू द टॉप ऑफ द स्टोरेज टैंक, ठीक है, वो पानी स्टोरेज टैंक में चला जाता है। ठीक है, दिस फोर्स कूलर वाटर एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड फ्लो आउट फ्रॉम स्टोरेज टैंक बाई ग्रेविटी। जब हमारा गर्म पानी टैंक में चला जाएगा तो क्या होगा, कोल्ड वाटर ग्रेविटी से अंदर आ जाएगा, किसमें, कलेक्टर्स में, इंटर्स इनटू द बॉटम ऑफ द कलेक्टर्स। ठीक है, कलेक्टर्स के नीचे वाले भाग में क्या हो जाएगा, कलेक्टर्स के ऊपर वाले भाग में पानी गर्म था जो, वो स्टोरेज टैंक में चला गया। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टर्स में निचले वाले भाग में ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से वापस से निचले वाले हिस्से में, और पानी ग्रेविटी कारण आ जाएगा थ्रू पाइप। ठीक है, पाइप के द्वारा प्रोवाइड एट द बॉटम ऑफ द स्टोरेज टैंक, ठीक है, जो कि स्टोरेज टैंक के नीचे लगा रहता है। दिस वाटर इन टर्न्स इज हीटेड एंड राइजेज अप इनटू द टैंक। जब ये पानी वापस से कलेक्टर में आ जाएगा तो ये दोबारा से हीट होगा और ऊपर की तरफ उठेगा और वापस से स्टोरेज टैंक में चला जाएगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज द सन शाइन द वाटर विल क्वाइटली सर्कुलेट गेटिंग वार्मर। ठीक है, जब सूर्य की धूप रहती है तो पानी का नहीं मतलब कि ऐसे ही आता है और गर्म होता रहता है। मीन्स एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, जो हमारा कलेक्टर्स है उसमें ट्यूब्स लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, ट्यूब्स के निचले वाले हिस्से का जो पानी है वो पहले गर्म नहीं होगा, जो ऊपर वाले हिस्से का पानी है, ठीक है, वो पहले गर्म होगा, गर्म होने के कारण डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्सली पानी जो कोल्ड वाटर है उसमें और ग्रेविटी कारण आना हमारा कलेक्टर्स में चालू होगा और ऊपर की जो लो डेंसिटी हो गई पानी की, मीन्स पानी की डेंसिटी जिसमें कम हो गया है कलेक्टर्स में, वो क्या, स्टोरेज टैंक को चला जाएगा और ये पानी वापस से स्टोरेज टैंक से आके कलेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही क्रिया होगी, फिर से ऊपर वाले हिस्से का जो कलेक्टर्स के ऊपर वाले हिस्से का भाग है उसमें ट्यूब्स में जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, फिर से वापस से चला जाएगा उसमें स्टोरेज टैंक में और फिर से कलेक्टर्स में पानी आना जारी रहेगा। ठीक है, मीन्स इस क्रिया में ये क्रिया लगातार होती रहती है सूर्य के धूप में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल सर्कुलेटिंग वाटर हीटर। ये डायग्राम है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, ये क्या है, कलेक्टर्स है। ठीक है, इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, ये हमारा स्टोरेज टैंक है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, स्टोरेज टैंक, ये क्या है, कलेक्टर्स, क्या कलेक्ट करता है, सन्स एनर्जी को, रेडिएशन को। ठीक है,
यहाँ क्या है हॉट वाटर फॉर यूज, ठीक है, यहाँ क्या है कोल्ड वाटर इन। अब कोल्ड वाटर इन कहाँ हो रहा है, कोल्ड वाटर इन यहाँ हो रहा है, ठीक है, कलेक्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा, कलेक्टर्स में कोल्ड वाटर इन हुआ, कोल्ड वाटर या तो फ्रेश वाटर जो कि हम टैंक में स्टोर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कलेक्टर्स में क्या हुआ, वाटर्स इंटर हुआ, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे है अभी पानी हमारा पूरा यहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ तक पूरा पानी ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा कलेक्टर्स पे रेडिएशन आके आ रहा है और ये यहाँ पे जो ट्यूब्स लगा हुआ है उसमें का पानी हॉट हो गया, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये राइज अप होगा कहाँ, स्टोरेज टैंक में, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब फिर से क्या हो गया, जब ये यहाँ का पानी इसमें गया स्टोरेज टैंक में, तो यहाँ पे स्पेस खाली हो रहा है, तो ये वाला पानी जो कोल्ड वाटर है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से वो मतलब धीरे धीरे ऐसे ही सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा पानी गर्म हुआ, ये ऐसे गया यहाँ पे स्टोरेज टैंक में, मीन्स ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, ठीक है। अब क्या है, फोर्स सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम, जो हमारा दूसरे टाइप का वाटर हीटर्स है वो क्या है, फोर्स सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम। आप लोगों को जो नेचुरल सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम था वो अच्छे समझ में आ गया होगा, अब उसी बेसिस पे ये भी हमारा है जो फोर्स सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम है उसी बेसिस पे है, बस इसमें वाटर को सर्कुलेट करने के लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा पंप लगा दिया गया है, ठीक है। द फोर्स सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर सप्लाई हॉट वाटर टू कम्युनिटी सेंटर सच एज होटल्स हॉस्टल्स एक्सेट्रा, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज। मीन्स जो हमारा फोर सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है, वो हैवी कैपेसिटी की है, मीन्स वो पानी ज़्यादा गर्म करता है, ठीक है। तो वो सप्लाई हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, हॉस्टल होटल्स और इंडस्ट्री के लिए मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। लार्ज एरे ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड एंड फोर्स सर्कुलेटिंग इज मेंटेन विथ अ वाटर पंप, ठीक है। जो हमारा इसमें सोलर पैनल कलेक्टर्स होता है वो काफ़ी बड़ा रहेगा और वाटर को सर्कुलेट करने के लिए एक वाटर पंप यूज करते हैं, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन टू कीप स्टोरेज टैंक एट द हायर लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड एज डन इन द केस ऑफ नेचुरल सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम। जो हमारा नेचुरल वाटर हीटिंग सिस्टम में क्या था, स्टोरेज टैंक को एक हायर लेवल पे रखना पड़ता था, इसमें वो ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टोरेज टैंक कहाँ है, ऊपर है, तो जो हमारा फोर सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम है इसमें हम स्टोरेज टैंक कहीं भी रख सकते हैं जैसा हमें सुटेबल रहे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टोरेज टैंक अ ग्रुप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर सेलेक्टेड एंड कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। जैसा हमें जितना पानी हमें जितना हॉट वाटर की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मतलब जितना हमें गर्म पानी की ज़रूरत है उसके अनुसार हम एक स्टोरेज टैंक को सेलेक्ट करते हैं और स्टोरेज टैंक के अनुसार ही हम क्या करते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को सेलेक्ट करके दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। स्टोरेज टैंक इज मेंटेन विथ कोल्ड वाटर फुली बाई कनेक्टिंग टू मेक अप वाटर टैंक विच इज प्रोवाइडेड विथ हाफ फ्लोट कंट्रोल मैकेनिज्म, बाल फ्लोट कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। एक स्टोरेज टैंक को हमेशा कोल्ड वाटर से मेंटेन किए रहेंगे, मीन्स उसको पूरी तरह से भरे रहेंगे, ठीक है। अब कैसे भरेंगे, एक बाल फ्लोट कंट्रोल मैकेनिज्म, सबके घर पे वो मैक्सिमम लोग घर पे क्या होता है, एक स्टोरेज वाटर स्टोरेज टैंक होता है उसमें एक बाल फ्लोट मैकेनिज्म लगा रहता है। वो क्या करता है, टंकी जब हमारी भर जाती है तो पानी की सप्लाई बंद हो जाता है, टंकी में वापस से जाना, ठीक है। तो वही मैकेनिज्म है ये। द पंप फॉर मेंटेनिंग फोर्स सर्कुलेटिंग इज ऑपरेटेड बाई एन ऑन ऑफ कंट्रोलर विच सेंस द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड एक्सिस ऑफ द कलेक्टर्स एंड सुटेबल लोकेशन इनसाइड स्टोरेज टैंक।
द पंप फॉर मेंटेनिंग फोर सर्कुलेटिंग, जो हमारा इसमें फोर सर्कुलेटिंग वाटर हीटर सिस्टम है, इसमें क्या है, एक पंप लगा रहता है जो हमारे कलेक्टर्स के बीच में जो ट्यूब्स लगे हैं उसमें वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, मीन्स उसमें वाटर के पानी के बहाव को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इन द स्टोरेज टैंक इज रिड्यूस, जब हमारा टेम्परेचर स्टोरेज टैंक में कम होता है, द थर्मल कंट्रोलिंग सिस्टम ऑपरेट्स द पंप, तब क्या होता है, थर्मल कंट्रोलिंग सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, हमारा पंप चलने लगता है, एंड कोल्ड वाटर इन द पंप्ड टू द कलेक्टर्स, और तब क्या होता है, जब हमारा पंप चलने लगेगा तो क्या होगा, हमारे कलेक्टर्स में जो ट्यूब्स लगे हैं उसके बीच में पानी जाने लगेगा, ठीक है। द कोल्ड वाटर गेट्स हीटेड अप इन द कलेक्टर, जो कोल्ड वाटर जब हमारा कलेक्टर में गया तो वो हीट होगा, एंड द फ्लो टू द स्टोरेज टैंक, और फिर से गर्म होकर क्या हो जाएगा, स्टोरेज टैंक में वापस स्टोर हो जाएगा, चला जाएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द स्टोरेज टैंक रीच टू अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू, यदि स्टोरेज टैंक में जो हमारा स्टोरेज वाटर है उसका टेम्परेचर एक जितना हमको चाहिए उसके वैल्यू पे पहुंच गया, मतलब वहां तक पहुंच गया, द पंप ऑटोमेटिकली स्टॉप, पंप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या करना बंद हो जाएगा, वाटर पंप करना बंद हो जाएगा कलेक्टर्स में, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर फॉल्स, जब टेम्परेचर गर्म पानी का घट जाएगा तब क्या होगा, द पंप स्टार्ट वर्किंग एंड वाटर फ्लो टू द कलेक्टर्स, तब वापस से पंप स्टार्ट हो जाएगा, पानी को पंपिंग करना कलेक्टर्स में, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ सोलर एनर्जी, जब सोलर एनर्जी नहीं रहेगा तब क्या होगा, द एक्जिलरी हीटर्स ऑपरेट बाई इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, तब एक एक्जिलरी हीटर लगा रहता है वो इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, ठीक है। इज यूज्ड, वो प्रयोग में आ जाएगा और पानी को गर्म करेगा, द एक्जिलरी हीटर्स हैज टू बी केप्ट इन द स्टोरेज टैंक, जो हमारा एक्जिलरी हीटर्स है उसे स्टोरेज टैंक में ही रखा जाता है, ठीक है। ये डायग्राम है फोर सर्कुलेटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स है, ठीक है, ये क्या करता है, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करता है, फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक पंप दिख रहा है, ठीक है, ये पंप है, क्या करता है, ये पंप का क्या काम है, कलेक्टर्स के बीच में पानी को सर्कुलेट करना, ठीक है। जब यहाँ पे गर्म हो जाएगा पानी हमारा कलेक्टर्स में तो वापस से ये स्टोरेज टैंक में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वाटर मेंटेन, ये कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक है, ठीक है, और यहाँ पे हॉट वाटर है यूज के लिए, ठीक है, गर्म पानी हम यहाँ से लेंगे अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, उपयोग के लिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर्स, ठीक है। तो सोलर कुकर ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा सा अवॉइड करके सोलर एनर्जी के माध्यम से खाना बनाने का एक तरीका है, और सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम पानी को जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग करके गर्म करके अपने उपयोग में लेना, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के और बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसमें सोलर एनर्जी का प्रयोग होता है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।